गुड मॉर्निंग डियर क्लास थ्री स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। टुडे आई विल डू स्टार्ट लेसन नंबर टू। लेसन नेम इज नाउंस नंबर। आज हम लोग लेसन नंबर टू इंग्लिश ग्रामर का शुरू करेंगे, जो नेम है नाउंस नंबर। इसमें आपको वर्ड्स को, जो नाउंस है उसको आपको प्लुरल बनाना है। कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जैसे कि इसमें कुछ पिक्चर है, कैट, कैट से एस लगा दिए तो कैट्स हुआ, रोज है, रोज में ई एस लगाए तो रोजेज हुआ, और गिलास, गिलास से गिलासेज हुआ, ब्रश से ब्रशेज हुआ। तो ये कैट्स, रोजेज, गिलासेज, ब्रशेज, ये सब क्या है, ये सब प्लुरल है। मतलब कैट सिंगल हुआ और कैट्स हो गया तो ये प्लुरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया। कैट क्या है, एक है, सिंगल को बता रहा है, और कैट्स हो गया तो एक से ज्यादा हो गया। इसमें कुछ फॉर्मेशन, प्लुरल को फॉर्म करने का कुछ रूल्स है। जब मोस्टली हम एस लगाते हैं किसी वर्ड्स में, किसी नाउन में हम एस लगा करके प्लुरल बनाते हैं, बट जब किसी कोई वर्ड एस ओ ई डबल एस सी एच एस एच या एक्स से खत्म होता हो, मीन्स जिस वर्ड के आखिर में ओ एस डबल एस सी एच एस एच या एक्स हो, तो हम उसमें ई एस लगा करके प्लुरल बनाते हैं। तो यहाँ कुछ लेट्स डू है, क्वेश्चन नंबर वन है, लेट्स डू है। लेट्स डू का क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें कहा जा रहा है एड एस टू द फॉलोइंग नाउन्स टू फॉर्म देयर प्लुरल्स। इसमें आपको कहा जा रहा है कि इससे ये जो वर्ड है इसमें एस लगाकर, ये जो वर्ड्स हैं इसमें एस लगा करके इसे प्लुरल बनाइए। तो वर्ड देखिए, वर्ड्स क्या है, ए में है टेबल, ब्लैंक्स, बी में है स्ट्रीट, ब्लैंक्स, सी में है चेयर, डी में है मिनट, ई में है बर्ड, एफ में है वास, जी में है स्टार, एच में है क्लॉक, आई में है आर्म, और जे में है एप। इसे हमें प्लुरल बनाना है। तो हम लोगों ने जैसा जाना कि हम मोस्टली वर्ड्स में एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं, और इसमें वन, ये क्वेश्चन नंबर वन है लेट्स डू का, इसमें ऑलरेडी कहा गया है कि आप एस लगाकर के इसे प्लुरल बनाएं। तो इसमें हम एस लगाएंगे तो टेबल से क्या हो जाएगा, टेबल्स हो जाएगा, स्ट्रीट से क्या हो जाएगा, स्ट्रीट्स हो जाएगा, चेयर से क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा, मिनट से क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा, बर्ड है बर्ड से बर्ड्स होगा, वास्प है वास्प से वास्प, स्टार से स्टार्स, क्लॉक से क्लॉक्स, आर्म से आर्म्स, और एप से एप्स। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर वन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, एड ईएस टू द फॉलोइंग नाउंस टू फॉर्म देयर प्लुरल। अब जो क्वेश्चन नंबर टू है,
इसमें जो वर्ड आ रहे हैं उसमें ईएस लगा करके हम प्लुरल बनाएंगे। तो अब हम इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, ए में है वॉच, बी में है फॉक्स, सी में है ग्लास, डी में है ब्रश और ई में है टोमैटो। टोमैटो तो ये देखिए, इसमें आपको कहा जा रहा है कि ईएस लगा करके इसे प्लुरल बनाइए। क्या करना है? ईएस लगाना है, ईएस लगा करके प्लुरल बनाना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस वर्ड के आखिर में ओ होगा, एस होगा, डबल एस होगा, सी एच होगा, एस एच होगा तो और एक्स होगा, तो उस वर्ड में ईएस लगाकर हम उसे प्लुरल बनाएंगे। तो ये सारे वर्ड्स उसी टाइप के हैं। जैसे देखिए वाच है, वाच में लास्ट में सी एच है तो इसमें हम ईएस लगाएंगे, क्या हो जाएगा? वॉचेज, डब्ल्यू एस टी सी एच ई एस, वॉचेज। फॉक्स है, फॉक्स लास्ट में एक्स है तो ईएस लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये फॉक्सेज। उसके बाद ये सी है ग्लास है, डबल एस है लास्ट में तो हम इसमें ईएस लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ग्लासेज। उसके बाद डी है ब्रश, एसएच है बाद में तो हम इसमें ईएस लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ब्रशेज। और उसके बाद ये टोमेटो है, टोमेटो में लास्ट में ओ है तो इसमें भी ईएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा? टोमेटोज। तो आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3-4 को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, यूजेबल है, तो आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी एडवाइस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।